press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रधानमंत्री फिल्मों के प्रमोशन के लिए इस्तेमाल तो नहीं हो रहे, भले ही मुद्दा सोशल हो या फिर भारत में खेल के नाम पर जिसे भगवान माना जाता हो उसकी, या जिस अदाकारा ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने काम का सिक्का चलाया हो वो। बर्लिन में प्रियंका का मिलना भले ही ट्विटर की चिड़िया उड़ाकर संयोग बताया गया हो, लेकिन जानकारों की माने तो ये फिल्मी प्रमोशन का हिस्सा है जिसमें मोदी भारत के दर्शकों को लुभाने का एक जरिया मात्र है। हॉलीवुड की जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसके दर्शकों के केंद्र में भारत का बाजार होता है और इस बाजार को लुभाने के लिए मोदी से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। ऐसे में बर्लिन में विश्व सुंदरी प्रियंका के मिलने को महज इत्तेफाक का नाम दे दिया जाए तो ये फिल्मी पटकथा के साथ शायद नाइंसाफी होगी, क्योंकि फिल्मी पटकथा अब सिर्फ वो नहीं होती जिसे आप थिएटर्स में पॉपकॉर्न खाते हुए देखते हैं, बल्कि अब फिल्मी पटकथा फिल्म के रिलीज होने से पहले हर वो इत्तेफाक होती है जिसके जरिए फिल्म का प्रमोशन किया जाता है। दरअसल मोदी किस से मिल रहे हैं इसमें हर किसी की दिलचस्पी होती है। जब भी कोई स्टार मोदी से मिलता है तो उसकी फिल्म अपने आप ही चर्चा में आ जाती है। ऐसे में फिल्म स्टार्स के लिए मोदी फिल्म को प्रमोट करने का सबसे बेहतरीन जरिया बनते जा रहे हैं। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले वक्त में इन तस्वीरों के साथ और कई तस्वीरें जुड़ेंगी और मोदी फिल्म प्रचारक के तौर पर भी उभरने लगे।